भी सिर्फ ऊपर गिर सकता है। नहीं आना पसंद कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने जो देखा यहाँ निरीक्षण किया क्या था यहाँ पर? जब मैं आई मैंने यहाँ निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे जो आप थोड़ा सा इधर आके देख सकते हैं, अब ऐसे में मतलब बच्चे क्या पेरेंट्स कोई भी मतलब अलाउ नहीं करेगा अपनी फैमिली को, मतलब मेंबर आजकल महिलाओं के साथ वैसे भी अत्याचार हो रहे हैं, हरेस वगैरह का केस हो रहा है, अगर ऐसे ही ये हाल रहा तो ये आंगनबाड़ी केंद्र कोई नहीं बन पाएगा। और ये यहाँ जर्जर जो है, ये यहाँ आप देख सकते हैं कितनी जर्जर दीवारें हैं, यहाँ तो बरसात वगैरह में भी तो कोई भी नहीं आ सकता। लॉन जो पीछे बरसों की सफाई भी नहीं हुई है, सांप बिच्छू और इधर और भी यहाँ पे आप इधर आकर चल के देखिए। प्रधानमंत्री जी से कि स्वच्छता अभियान जिस तरीके से वो चला रहे हैं तो उस तरीके से वुमेन एजुकेशनल एम्पावरमेंट को भी उन्हें चलाना चाहिए, और जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं तो उन्हें इधर भी आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में, जैसे मैं आई और मैंने यहाँ काफ़ी सारी महिलाओं के प्रति दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें, उन्होंने बताया इसी वजह से हमारे जब ऐसे दिक्कतें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि वुमेन्स कभी भी नहीं आ पाएंगी पढ़ने के लिए, और महिलाओं को तो बल्कि आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए क्योंकि बेटियां तो देश का भविष्य हैं। क्या नाम है आपका? हुमा हसन, उत्तर प्रदेश महासचिव।